हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये छोटा सा पैटर्न लेके आई हूँ। केवल 2 रो का ये पैटर्न है और आप इसे जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हो, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हो। बहुत आसान है बनाना। इस तरीके से ये पैटर्न आता है और इसका बैक लुक ऐसा है। आप इसे बिना बॉर्डर के भी नीचे से ही अप्लाई कर सकते हो, ये मुड़ता नहीं है बिल्कुल भी। और ये इस तरीके से आएगा, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 4 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 2 फंदे हमें और एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 4 फंदों की ये बिनाई है, तो आप 4-4 के जोड़ में इसमें फंदे डालिएगा और 2 फंदे लास्ट में और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बिनाई 14 फंदों में डाल के दिखाऊँगी, तो 14 स्टिचेज हैं अभी मेरे पास सिलाई में। ये फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। पहला फंदा आप सीधा बिन लीजिए या तो स्लिप कर लीजिएगा। पहला फंदा हमने सीधा बिना, उसके बाद एक दो, इन दो फंदों के बाद हमें एक नया फंदा बनाना है। देखिए, इन दो फंदों के बाद यहाँ से ऐसे करके एक नया फंदा बनेगा। ये नया फंदा बनाया, धागा आगे है, गोल घुमा के हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर इन दो फंदों को जो हमने छोड़े थे, इन दोनों फंदों को हम पीछे की तरफ से सीधा बिन लेंगे एक साथ। देखिए, अब इनको निकाल लेंगे। फिर इसके आगे के दो फंदे हमें फिर बैक लूप से ऐसे पीछे की तरफ से 2 का 1 करते हुए सीधा बिनना है। तो ये इन्हीं 4 फंदों की बिनाई थी। अब फिर से हम अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो इन 2 फंदों के बाद आगे एक नया फंदा बनाएंगे इधर से। इसके बाद ये धागा पीछे है, इसको गोल घुमा के वापस से पीछे ले जाएंगे और फिर इन 2 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से इस तरीके से सीधा बिन देंगे, निकाल लेंगे। फिर इन आगे के 2 फंदों को बैक लूप से 2 का 1 करना है। कंप्लीट हो गया है पैटर्न, फिर से दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों के बाद एक नया फंदा बनेगा यहाँ से इस तरीके से। धागा पीछे है, इसको गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और फिर इन 2 फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बिन लेंगे, फिर निकाल देंगे। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे के पीछे की तरफ से 2 का 1 करते हुए सीधा बिन लेंगे। ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे पैटर्न। अब ये लास्ट का फंदा बचा है, इसको हम धागा आगे करेंगे और उल्टा बिन लेंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो है हमारे पैटर्न की, तो एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे, जैसे सीधा बिनते हैं वैसे स्लिप कर लिया हमने इसे। इसके बाद आगे के 3 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, 1 2। अब धागा हम आगे की तरफ करेंगे अपना और जो ये नया फंदा बना था इसको हमने स्लिप करना है, फिर धागा पीछे कर लेंगे। ये पैटर्न यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो नया फंदा बनाया था हमने इसको स्लिप करा, फिर धागा पीछे की तरफ कर दिया। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा स्लिप करा, फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे। लास्ट का फंदा बचेगा तो हम इसे उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए, एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। अब इन्हीं 2 रो को हमें रिपीट करना है। तो इस डिज़ाइन को आगे कैसे बढ़ाएंगे एक बार देख लीजिए। और ये एक फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद इन 2 फंदों, ये देखिए ये नया फंदा है बना रखा हमने, इन 2 फंदों के आगे से ऐसे करके एक नया फंदा बनेगा इस तरीके से।
धागा गोल लपेट के पीछे ले जाएंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बिन देंगे। फिर से इन दो फंदों को पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनना है, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी अपनी। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब फिर से देखिए, दोबारा से शुरू होगा। तो इन दो फंदों को, ये जो नया फंदा बना है वो, और इसके आगे वाला फंदा, इन दो फंदों के आगे से एक नया फंदा बनेगा। ऐसे धागे को गोल लपेट के पीछे ले गए और फिर इन दो फंदों को पीछे से एक साथ सीधा बिन दिया। फिर से इन दो फंदों को आगे के पीछे से एक साथ सीधा बिन देंगे। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न। तो इन दो फंदों के आगे से एक नया फंदा बनेगा, धागे को गोल लपेट के पीछे ले गए और फिर इन दो फंदों को पीछे से एक साथ सीधा बिन दिया। आगे के दो फंदे भी पीछे से एक साथ सीधे बिन देंगे। धागा आगे करेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा। अब रॉन्ग साइड है तो ये हमारी सेकेंड रो की तरह बनेगी। एक फंदा हमने स्लिप करा, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। फिर से दोबारा से रिपीट होगा। तो तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ लाए, इस फंदे को स्लिप करा, फिर धागा पीछे ले गए। फिर से दोहराएंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे। सॉरी, लास्ट वाले फंदे को हमें उल्टा ही बिनना है, तो ये फंदा स्लिप करा और इस लास्ट के फंदे को उल्टा बिन दिया। इस तरीके का इसका लुक आ रहा है। आप इन्हीं दो रो को आप बार बार रिपीट करोगे तो जब आप बड़ा बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, बहुत सुंदर लगता है और बहुत आसान है बनाना इसे। थैंक यू।